ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इतिहास साक्षी है कि धर्म पर सियासत ना हो ऐसा हो नहीं सकता, और मुद्दा इस समय बटोगे तो कटोगे, साथ रहोगे सेफ रहोगे गरमाया हुआ है। यही वजह है दिल्ली में, माफ कीजिएगा, लखनऊ, राजधानी लखनऊ में सीएम योगी के बयान पर एक बार फिर से पोस्टर लग गए हैं। पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। लखनऊ में बीजेपी नेता ने पोस्टर लगवाया है। पोस्टर पर लिखा है खास संदेश। क्या लिखा है खास संदेश वो भी समझ लीजिए, बटोगे तो कटोगे। ये चुनावी नारा नहीं है, ये है इतिहास, भारत के इतिहास से मिली सीख है ये। तो देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं 1090 चौराहे के आसपास की तस्वीर है, गोमती नगर रिवर फ्रंट के आसपास की तस्वीर, जहां पर बीजेपी नेता ने पाकिस्तान और दूसरी तरफ बांग्लादेश, ये दोनों ही, और सेंटर में रखा है भारत को, एक मानचित्र दिखाया है और कहा है बटोगे तो कटोगे नारा नहीं इतिहास है, इतिहास से ली गई सबक और संदेश है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान को अब उनकी सेना, या यूं समझिए कि वानर सेना, पूरी तरीके से स्थापित करने में जुट गई है। भारत के इतिहास से ली गई सीख है। लखनऊ में फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर पोस्टर लगे हैं, और ये बयान कोई नया नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ समय समय से राज्य दर राज्य, मंच दर मंच, बार बार इस बयान को दोहराते रहे हैं। उनके इस बयान को बीजेपी के एक और फायर ब्रांड नेता हेमंता विश्व शर्मा, कंगना रनौत, हिमाचल से सांसद हैं, अलग अलग नेताओं ने, सांसदों ने दोहराया है और कहा है बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे नेक रहोगे, एक रहोगे सेफ रहोगे। और लखनऊ से हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, एक और नया पोस्टर सामने आता है, बाकायदा उसमें मैप भी दर्शाया जा रहा है और एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि ये तो इतिहास से सीख मिली है, अब क्या समझा जाए, क्योंकि कल तो यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं और इससे पहले ये एक और पोस्टर रिलीज हो जाता है। हाँ जी हाँ, देखिए अभिजात मिश्रा जिन्होंने पोस्टर लगवाया है, बीजेपी के प्रदेश मंत्री हैं वो और काफ़ी दिनों से सक्रियता से काम करते रहते हैं वो, उन्होंने ये पोस्टर लगवाया है। जहाँ तक सवाल है इस नारे का, तो ये नारा टेस्ट पर है और कल इसका असली परीक्षण होगा जो 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। वैसे तो हरियाणा के चुनाव से ही ये नारा चर्चा में आया है, लेकिन बीते कुछ दिनों से ये उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय किसी दूसरी वजह से भी है, और वो वजह ये है कि केशव प्रसाद मौर्य ने एक स्टेटमेंट दे दिया और ये कहा कि हमारा नारा है एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, मोदी जी का ये नारा है और यही हमारा नारा है। तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में इस नारे को लेकर के दो खेमे हैं, एक जो बटेंगे तो कटेंगे खुलकर कहता है, और एक दूसरा जो उसको नहीं कहता है दूसरी बात कहता है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद से थोड़ा सा चर्चा में ज़्यादा आ गया है ये नारा। अब अभिजात मिश्रा ने जो पोस्टर लगवाया है, उन्होंने इतिहास तक इस बात को ले गए हैं, शायद 200-250 AD में या 200-250 BC में जब चंद्रगुप्ता मौर्य का कभी शासन हुआ करता था, तब भारत जो अखंड भारत था, जिसको अखंड भारत आज हम लोग कहते हैं, अफगानिस्तान भी उसके हिस्से में ही आता था, पाकिस्तान बांग्लादेश तो खैर बहुत बाद में बने हैं, तो वहाँ तक उनका ये कहना कि हम इसलिए, हमसे ये सब देश अलग हो गए, ये जगहें अलग हो गई क्योंकि हम लोग बट गए थे, शायद इस बात को वो कहना चाहते हैं। हकीकत यह है कि इस वक्त का अपडेट यह है कि ये पोस्टर अभी उतार लिया गया है क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल दिक्कतें थी, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, इस वजह से अभिजात ने उस पोस्टर को हटवा दिया है, लेकिन अभी वो ठीक करा के दोबारा से लगवाएंगे। बिल्कुल, लेकिन जहां तक नारे का वापस से करते हैं, लेकिन इस बीच जिन्होंने ये पोस्टर लगवाया है बयानवीर, उनके बयान को भी सुन लेते हैं, जनता को सुना भी देते हैं कि आखिरकार वो कह क्या रहे हैं। पोस्टर के जरिए एक्सप्रेस तो कर दिया है, लेकिन स्पष्ट तौर पर सुनिए कि क्या क्या रहे हैं जनाब। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने अभी बयान दिया कि यदि हम बटेंगे तो हम कटेंगे। मैं देश के तमाम राष्ट्रभक्तों की तरफ से अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ना हम बटेंगे ना हम कटेंगे, क्योंकि हमने ये तय किया है कि अब हम बढ़ेंगे, हम अड़ेंगे
और हम लड़ेंगे। जो तमाम देश के अंदर राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, जो अलगाववादी ताकतें हैं और जो जिहादी ताकतें हैं, इनसे यदि दो दो हाथ भी करने पड़े तो हम वो भी करेंगे। तो फिलहाल आपने सुना, और जैसा कि विवेक हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे, विवेक आप थोड़ी देर पहले ही बता रहे थे कि पोस्टर को वहां से हटा लिया गया है, क्या कोई खास वजह? पोस्टर में जो स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, कुछ खास तौर से तिब्बत वाली जो बात लिखी उसको लेकर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, जिसकी वजह से उसको उतार कर अभी लपेट के रखा गया है, दूसरा बनाया जा रहा है और वो स्पेलिंग मिस्टेक को ठीक कराया किया जा रहा है, फिर से वो वहीं लगेगा, ऐसा अभिजात मिश्रा से जो भी बात हुई उन्होंने हमको बताया है। देखिए बड़ी बात ये कि बड़ी बात क्या है, बड़ी बात ये है कि इस नारे, ये नारा आगे कितना और जाएगा, ये सब कुछ कल जो चुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उपचुनाव हो रहे हैं, महाराष्ट्र में जो चुनाव हो रहा है, उन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कितनी कामयाबी मिलती है, झारखंड में चुनाव हो रहा है, ये इस नारे का भविष्य तय करेगा। अगर यह सफलता ठीक ठाक रहती है तो यह नारा आगे बढ़ेगा, नहीं तो जो प्रधानमंत्री ने नारा दिया है एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, शायद वो योगी के नारे पर थोड़ा भारी पड़े, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जो प्रधानमंत्री का दिया हुआ नारा है, उसके ऊपर योगी आदित्यनाथ का जो नारा है बटेंगे तो कटेंगे, शायद थोड़ा भारी पड़ रहा है। और विवेक, नारे को लेकर भी बीजेपी में देखा जा रहा है खेमे अलग अलग हो चुके हैं, कोई कह रहा है हम तो पीएम मोदी के नारे के साथ है, वही हमारा नारा एक है तो सेफ है, और कोई कह रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, यही हमारा नारा है, यानी कि बीजेपी में भी अलग अलग ऑप्शन देखे जा रहे हैं नारे को लेकर के, कौन किसके साथ है ये तो पता ही नहीं चल पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये खेमेबाजी हो गई है और ऐसा लगता है बीजेपी में दो तरह के दल हो गए, एक नरम दल है जो एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जैसा नारा चला रहा है, और दूसरा एक गरम दल है जो बटेंगे तो खटेंगे जैसा नारा चला रहा है, तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। खासतौर से केशव प्रसाद मौर्य ने बहुत कैटेगोरिकली इस बात को कई इंटरव्यूज में कहा और ये बात उन्होंने स्पष्ट तौर पर कही है। मेरे जहन में बार बार एक विषय आ रहा है, बिल्कुल विवेक जी, मेरे जहन में बार बार एक विचार आ रहा है, किस तरीके से गिरिराज सिंह जब हिंदुत्व स्वाभिमान रैली निकाल रहे थे बिहार के अंदर, तो बीजेपी सीधे तौर पर दो खेमे में डिवाइड हो गई थी, एक जो गिरिराज सिंह के साथ खड़ी थी, एक जो गिरिराज सिंह के अपोजिशन में खड़ी थी, लेकिन नीतीश कुमार एक बड़ा वोट बैंक है तो उनके साथ भी खड़ी थी। तो इस समय उत्तर प्रदेश में अयोध्या के चुनावों ने एक संदेश दिया पिछली बार, तो क्या ये एक टेक्निक तो नहीं, एक प्रयोग तो नहीं कि एक ही नारे को दो तरीके से फ्लो किया जाए, ताकि जो जनता जिसके साथ है वो बंधी रहे, हमारे साथ कसी रहे? बिल्कुल ऐसा ही है, ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट ही है। ध्यान से बारीकी से अगर हम देखें तो बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इस नारे की का जो मैसेज है वो बहुत क्लियर है और एक जैसा ही है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, चाहे वो बटेंगे तो कटेंगे थोड़ा सा एग्रेशन के साथ कह लीजिए, और चाहे तो ये कह लीजिए एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो दोनों एक ही नारा है लेकिन सिक्के के दो अलग अलग पहलू जैसे होते हैं वही बात है। तो हाँ, ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट ज़रूर किया जा रहा है, ताकि जो लोग बटेंगे तो कटेंगे साथ है वो भी हमारे साथ रहें, और जो थोड़ा सा मॉडरेट हैं वो भी हमारे साथ रहें। तो बीजेपी ने ऐसा लगता है कि विपक्ष तो के हाथ है, क्योंकि विपक्ष बहुत आलोचना कर रहा था। लाना है। बहुत शुक्रिया विवेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो टेक्निक समझ लीजिए, कान इधर से पकड़िए या इधर से पकड़िए या घुमा के पकड़िए, पकड़ना कान ही है, यानी कि नारा तो बहाना है, असल में आपको साथ लाना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है और उपचुनाव का ये आखिरी दांव है।